वेलकम टू कैम वर्ल्ड। मैं दीपेन कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपना टॉपिक कंटिन्यू करने। तो हमने लास्ट लेक्चर तक जो फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल यूनिट्स थी, एसआई यूनिट्स थी, मैटर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। अब हमें जो पढ़ना है आगे, तो साइंटिफिक नोटेशन हमने पढ़ा था, उसके बाद हमको पढ़ना है एक टॉपिक जिसका नाम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी है क्या? तो एक वर्ड आता है एक्यूरेट वर्ड का। एक्यूरेट वर्ड का मतलब ये होता है कि आप जब ये देखो कि जैसे आपने कहा कि हमें वन डजन क्या चाहिए, बनाना चाहिए, तो वन डजन में कितना नंबर होता है? 12। तो वन डजन में जब 12 नंबर होता है तो आपको क्या है, एक्यूरेट पता है, वो वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट पता होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाए जिसमें आपको ये लगे कि ये हमारे उस वैल्यू के मैच की है, मीन्स जब हम कह देते हैं कि ये हमारा अप्रॉक्स आंसर है, तो हमें बस देखना पड़ता है कि कौन सा वैल्यू अप्रॉक्स में जा रहा है और कौन सा एग्जैक्ट में जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक नया टॉपिक है, उसका नाम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अगर हमने क्या किया, अगर हमने एक कैलकुलेशन किया और उस कैलकुलेशन में हमें बताया गया कि जो हमारा डेटा है उसका रिजल्ट है 4.00, मीन्स 4 के आसपास उसका रिजल्ट है, और आप दो लोग हो, एक टीम है, अगर टीम की बात करूं तो टीम ए और टीम बी, ठीक है, दो टीम है आपके पास। अब जब टीम ए ने अपना कैलकुलेशन किया तो उनका जो रिजल्ट आया वो दो तरह से आया, एक रिजल्ट आया उनका 3.94 का और एक रिजल्ट आया 3.95 का। जब टीम बी ने रिजल्ट में देखा तो एक उनका रिजल्ट आया 3.99 और एक आया रिजल्ट उनका 4.01। तो इस तरह के क्या है, दो डेटा आए जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें पता करना है कि कौन सी वैल्यू या फिर किस टीम की वैल्यू एक्यूरेट है या फिर किस टीम की वैल्यू प्रिसीजन में है। तो जब आप देखोगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रिसीजन है क्या। तो प्रिसीजन एक ऐसा यूनिट का टर्म है या फिर मैं ऐसा डिजिट के लिए बोल रहा हूं जिनको दोनों का रिजल्ट क्या हो, आपस में बिल्कुल पास हो, आपस में जो उनका डिफरेंस है वो बहुत कम है और इनका जो इससे डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो जो इनका डिफरेंस है, अगर मैं डी से डिनोट करूं तो ये क्या है, इसका ज्यादा है, और इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, कम है। तो अब जब ये वाला डेटा देखा गया तो हमें पता चला कि जो हमने कैलकुलेशन करी है वो अपने डेटा के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन जब हम टीम बी की बात करें कि टीम बी ने जब रिजल्ट देखा तो उन्होंने देखा कि 3.9 और 4.01 दो तरह के डेटा आए। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो तो क्या है, कम है। और जरा ध्यान से देखो कि इन दोनों वैल्यू का इसके साथ डिफरेंस भी क्या है, कम है। तो अगर डेटा का जो एनालिसिस किया और उसका रिजल्ट अगर इन दोनों के मीन्स इस जो मेन वैल्यू है, जो आपकी डिसाइडेड वैल्यू है, फिक्स कर दी गई, ये कैसी है, फिक्स है, ठीक है, थ्योरेटिकल फिक्स कर दी गई, लेकिन जब आप जो ऑब्जर्वेशन में गए, आपने जब प्रैक्टिकल किया तब पता चला कि इनकी वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों दोनों अलग अलग आ गई, डिफरेंस में आ गई। तो हमें देखना है कि अगर वो जो डेटा आया है उस डेटा में जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस माइनर है, बहुत ही कम है, तो वो होगा कौन सा, प्रिसीजन होगा, वो कौन सा होगा, प्रिसीजन वैल्यू में आएगा। और अगर हमने जब दूसरी बार डेटा एनालिसिस किया, दूसरी बार प्रैक्टिकल किया, तब हमें पता चला कि जो हमारे पास डेटा आया है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो कम है, साथ साथ में वो वाला डिफरेंस भी कम है जो मेन डेटा से मैच करता। भाई 4 पॉइंट है, 4.00, तो 4 पॉइंट के आगे क्या है, 4.01 आएगा और इसके पीछे क्या आएगा, 3.99। तो ये क्या है, आपस में भी नियरली है और ये इसके साथ भी बहुत ही पास है, बहुत ही नियरली है। तो जो डेटा की वैल्यू अगर इस तरह की आए इस पोजीशन में, तो वो क्या होगी, वो प्रिसीजन तो होगी ही, साथ साथ क्या होगी, वो एक्यूरेट भी होगी, एक्यूरेट वैल्यू। अब एक्यूरेट का मतलब क्या है, अगर फिक्स आ जाती, भाई सपोज हमने डेटा एनालिसिस किया, अलग अलग वैल्यू आई, हमने फिर एक बार किया और वो वैल्यू आ गई 4.00, तो ये क्या है, ये सिर्फ एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन अगर दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है अपन को, तो हमें देखना पड़ेगा कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो ये जो टर्म है वो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का टर्म होता है। अब एक्यूरेट वैल्यू का मतलब क्या है, अब हमने गए, हम पेट्रोल पंप गए, अगर हमको पेट्रोल भरवाना है अपनी गाड़ी में, तो हम क्या करते हैं, कह देते हैं कि चलो हमारे में 2 लीटर डाल दो, ठीक है। अब वो कैलकुलेशन मशीन करती है कि इतनी क्वांटिटी जा चुकी है,
अगर मशीन में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी आ गई तो वो 2 लीटर कहेगा कि आपने 2 लीटर डाला है आपके गाड़ी में, लेकिन हो सकता है वो 2 लीटर में कम हो और 2 लीटर में ज्यादा भी हो। तो वो वैल्यू अगर थोड़ी बहुत अगर डिफरेंस है कि मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास लाई करती है, ठीक है, तो वो क्या होगी, प्रिसीजन भी होगी और एक्यूरेट भी होगी। अगर वो वैल्यू अपने जो डेटा है उससे काफी दूर है लेकिन वो 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशन में अगर पास में है तो वह वैल्यू कैसी होगी, वह वैल्यू प्रिसीजन में होगी। बहुत ही ईजी है इसको समझना। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज कर दो और फिर से वापस जाओ, फिर से देखो, आ जाएगा। तब भी नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपन का टॉपिक है वो हमें देखना है कि साइंटिफिक फिगर, साइंटिफिक नोटेशन तो हमने देख रखा था, अब हमें बात करनी है किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए जो एक रूल्स बुक दी गई है साइंटिस्ट के द्वारा, वो कैसी है उसके बारे में हमें देखना है, क्या क्या रूल अप्लाई करके हम साइंटिफिक वैल्यू या सिग्निफिकेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट और फिगर पढ़ने से पहले हमें जानकारी चाहिए उसके रूल की, क्या रूल हो सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के। तो अगर मैं पहला वाला देखूं तो जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखो, अगर ऑल नॉन जीरो डिजिट पहला रूल है, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो कैसी होंगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। आपको देखना है कि कितनी उसमें नॉन जीरो है। भाई नॉन जीरो का मतलब समझते हो, 2 टर्म होता है, एक तो होता है जीरो और एक होता है नॉन जीरो, एक जीरो और एक नॉन जीरो। जीरो का मतलब जो वैल्यू जीरो हो और नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के कुछ भी हो। क्लियर है, जीरो मतलब जो वैल्यू जीरो हो और नॉन जीरो जो जीरो को छोड़ के कोई सी भी आप वैल्यू कंसिडर कर सकते हो वो क्या होगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी। अगर मैं एग्जांपल आपको लूं यहाँ पे और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं एक वैल्यू लेके, डिजिट लेके, कि जैसे 3 2 3 2 3 1 5.2 डेसीमल वाली भी चलेगी इसमें और विदाउट डेसीमल वाली भी चलेगी। तो अगर मैं कहूँ कि इनमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर बता, कितनी है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको सिंपली देखना है कि इसमें क्या कोई जीरो है, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है, जितनी भी डिजिट है सब की सब क्या है, नॉन जीरो है। और हमने पहले रूल में ही देख लिया है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। तो जब सिग्निफिकेंट की बात आएगी, आंसर लिखने की बात आएगी, तो हम काउंट करेंगे इसमें कितनी डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितनी है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट यूनिट है। कंफ्यूज मत होना, इनको सिग्निफिकेंट यूनिट भी कहते हैं। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ देखना है क्या उसमें जीरो है, अगर जीरो है तो हम आगे वाले रूल्स को ही फॉलो करेंगे, अगर जीरो नहीं है तो हमारा पहला वाला रूल अप्लीकेबल होगा और जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सबकी सब क्या होंगी, सबकी सब सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगी। ठीक है, अब अगर हम दूसरे रूल की बात करें कि क्या दूसरा रूल हो सकता है, तो जितनी भी जीरो डिजिट है, देखो, ऑल जीरो डिजिट बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल होता है B-W शॉर्टकट में लिखने का, तो ऑल जीरो डिजिट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, वो कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। अब इसका क्या मतलब है, अभी हम कह रहे थे कि जितने नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हम कहते हैं कि ऑल जीरो, ऐसे जीरो जो नॉन डिजिट के बीच में लाई करते हैं, अगर वो नॉन जीरो के बीच में आ गए तो वो भी कैसे हो जाते हैं, वो भी एक सिग्निफिकेंट का काम करते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, तो यहाँ पे एग्जांपल मैं ले सकता हूं, जैसे एग्जांपल है 1.005, ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्या है, ये नॉन जीरो है, 5 क्या है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन ये जो बीच में है ये कैसे है, जीरो है। लेकिन अब हमने कहा कि जितने भी नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट थे, अब कह रहे हैं कि जो जीरो हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे लेकिन विद इन कंडीशन में होंगे। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन कौन सा है, तो देखो जरा, यहाँ 1 है, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, 5 है, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। इसका मतलब ये वाली जो जीरो है
ये वाली जीरो भी क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी, और इसका आंसर कितना होगा 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट यूनिट है। आपको क्वेश्चन दे देगा, डिजिट दे देगा, पूरा एक डेटा दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपको वो बताने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे थर्ड रूल में बढ़ते हैं। जो थर्ड रूल कहता है वो कहता है जीरो एट द एंड ऑफ डेसिमल नंबर, जीरो जीरो एट द एंड ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर मतलब जो डेसिमल के बाद जो जीरो है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब क्या, कैसे सिग्निफिकेंट होंगे, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो एग्जांपल के लिए ले सकता हूं 2.5000, ये ले लिया। तो अब है क्या कि इस डेसिमल के बाद जितने जीरो हैं वो सब क्या होंगे, यहां पे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो एट द एंड ऑफ डेसिमल, जीरो एट द एंड ऑफ डेसिमल हम यहां भी कंसीडर कर सकते हैं कि एक जीरो यहां ले लें और यहां एक वैल्यू ले लें यहां पे, ऐसा ये वे डेटा भी ले सकते हैं कि जैसे डेसिमल एंड हुआ और वहां पे क्या है, जीरो है, तो उसके बाद के जितनी डिजिट है वो सब की सब क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। अगर काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पे कितनी है, 5, यहां पे कितनी है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट यूनिट है। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है, अपन को देख के चलना है, सिर्फ और सिर्फ रूल, बिना रूल आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको रूल पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो और आपको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। तो अगला जो रूल है वो है फोर्थ, और फोर्थ रूल कहता है कि जितने भी जीरो हैं जो नॉन जीरो या फिर नॉन जीरो डिजिट के पहले हैं, जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले हैं वो सब क्या होंगे वहां पे, वो सबके सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे अगर मैं कहूं ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल है मेरा 0.0020, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिख दोगे गलत हो जाएगा। रूल पढ़ो, रूल कह रहा है ऑल जीरो, जितने जीरो हैं किसके पहले, नॉन जीरो डिजिट के, जितने नॉन जीरो के पहले, जो नॉन जीरो के पहले जितने भी है, अगर यहाँ डिजिट से स्टार्ट नहीं हुआ, अगर मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे वन है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या है, जीरो डिजिट है, यहाँ पे जीरो लेके चले हैं और उसके बाद डेसिमल है, तो ये जितने भी हैं, ये जितने जीरो हैं आगे के, ये इनसिग्निफिकेंट होंगे और ओनली ऑन ये और ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इसके इससे क्या पता चला कि यहाँ पे दो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है, डाउट है, तो आप लाइव चैट में बता सकते हो मुझे कि यहाँ पे डाउट है, मैं हाल के हाल वहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब अगले रूल में चलते हैं जो कि पांचवा रूल है। तो पांचवा रूल ये कहता है कि जितनी भी काउंटिंग थिंग्स हैं, ऑल काउंटिंग थिंग्स, ऑल काउंटेड नंबर, ऐसा लिख सकते हैं, ऑल काउंटेड नंबर आर सिग्निफिकेंट, दैट मींस जितने भी काउंट करने वाली चीज है, जैसे मैंने कहा 5 pen, तो 5 pen क्या है, 5 number क्या है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट है। अगर मैं कह दूं कि 155 rubber, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे 1 significant, तो यहाँ पे 3 significant, ठीक है। तो जितनी भी काउंटेड चीजें हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे अगर क्राउड की बात कर ली जाए कि एक ग्राउंड है और वहां पे 1 lakh जो है वो क्या है, वहां पे भीड़ एकत्रित हुई है, तो 1 lakh के वो पूरे के पूरे क्या है, सिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स अगर हमें काउंटेड चीजें पता हैं तो वो क्या होंगी, उतनी पूरी की पूरी क्या होंगी, वो सिग्निफिकेंट होंगी। तो ये रहा पांचवा। अब अगले रूल की बात करें जो कि छठवां नंबर है, और वो कह रहा है कि अगर डेसिमल डिजिट नहीं है, अगर डेसिमल डिजिट नहीं है और कोई भी डेटा दिया गया है, तो उनमें नॉन जीरो डिजिट ही क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, और जितनी भी जीरो डिजिट है वो क्या होंगी, इनसिग्निफिकेंट होंगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इन आ नॉन डेसिमल फिगर या डिजिट, ऑल
ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट जीरो आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है कि जो अगर हमने एक डेटा दे दिया जिसमें डेसिमल नहीं है, बिना डेसिमल के अगर आपको क्वांटिटी दे दी गई और उसके उधर जीरो भी है, तो जितनी भी जीरो होंगी वो इनसिग्निफिकेंट होंगी और जितनी भी डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, तो यहाँ पे आ जाओ एग्जांपल के लिए। एग्जांपल ले लिया मैंने 10500, क्या ले लिया 10500। अभी मैंने कहा था जितनी काउंटेड चीजें हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली है वो डिजिट होनी चाहिए। और यहाँ क्या है, ये नॉन जीरो, ये जीरो वाली है और ये नॉन जीरो वाली। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यहाँ केवल और केवल तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये जो जीरो हैं ये अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये थे रूल जिसके हिसाब से हमने देखा कि हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या किया था, कैलकुलेशन किया था, वैसे ही हमें सिग्निफिकेंट फिगर में भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उनकी कैलकुलेशन देखने के लिए भी हमें क्या चाहिए, रूल चाहिए। जितना भी सिग्निफिकेंट बेस्ड अगर आपके पास टॉपिक आएगा वो फॉलो करेगा रूल बुक को। अगर रूल बुक आप फॉलो नहीं कराते तो समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका जितना भी आंसर होगा वो क्या आएगा, गलत आएगा। अब आपको रूल देखना है किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन यहाँ पे हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में कुछ गिने चुने नियम है, रूल है। पहला रूल ये कहता है कि जब आप प्लस माइनस करोगे, जब आप प्लस माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको बुक्स की पीडीएफ और नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल है। आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में @ लगा के आपको डाल देना है KM/D। बस इतना सर्च कर लोगे तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है KM/Nothing Impossible वही आ जाएगा, और वहां से आप ज्वाइन करके कोई भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही बात पीडीएफ के लिए। अब यहाँ पे वापस आ जाओ, अगर आपको पॉजिटिव और निगेटिव यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, तो जो आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करोगे तो वो क्या होगी, जिनकी उनकी क्या होनी चाहिए, यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे अगर कोई ग्राम में है तो जो दूसरा वाला होगा वो भी ग्राम में होगा, अगर कोई किलोग्राम में है और दूसरा ग्राम में है तो आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपको उनको एक जैसा बनाना पड़ेगा। फिर जो दूसरा रूल है, जो दूसरा रूल है, यह आंसर ठीक है। अब जो दूसरा रूल है उसमें यह है कि आपके पास लीस्ट नंबर क्या होने चाहिए, लीस्ट नंबर किसके, सिग्निफिकेंट फिगर के। अब दो तीन कैलकुलेशन आती हैं, दो तीन चीजों को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसमें हमें सबसे पहली प्रियोरिटी है फाइंड करना पड़ेगा कि लीस्ट नंबर सिग्निफिकेंट किसके पास है। तो जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट का क्या होगा, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होगा, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आंसर होगा। अब इसका क्या मतलब है आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको राउंड ऑफ वाला भी सिस्टम देखना पड़ेगा, आप उसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। अगर कोई 10 की पावर में है तो जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में देखा था वैसे कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे कि हम कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एडिशन के बारे में, और हमें कोई डेटा दिया गया है कि आप इसका क्या करो, एडिशन करो। जैसे आपके पास है 4.20 ग्राम, इसको ऐड करना है आपको 1.6523 ग्राम में, फिर इसको ऐड करना है आपको 0.015 ग्राम में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि ये कैसे करना है, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट में बताया कि ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं माइंड करना, आपको जो सिंपल रूल पता है इसके एडिशन करने के और सब्सट्रैक्शन करने के, वही अप्लाई करने हैं। आप क्या करोगे, ऐसे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओगे और फिर ये वाली डिजिट रखोगे ऐसा, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल और 0.15 ऐसे लिखना है, और क्या कर देना, प्लस कर देना है। यहाँ क्या है, ग्राम ग्राम ग्राम, क्योंकि सारी डिजिट्स क्या है, सेम यूनिट में है। अब आप सिंपल इसको प्लस कर दो, 5516628 और 415, तो आंसर आया आपका 5.865 ग्राम। तो अगर आप इतना करके आ गए तो आंसर आपका गलत माना जाएगा,
अब ये क्या, आपने तो कहा कि सिंपल प्लस माइनस का रूल लगाना है, आपको आंसर निकाल देना है, आ जाएगा, लेकिन हमने प्लस माइनस सिंपल किया, एडिशन किया, लेकिन जो आंसर आया वो गलत है, मैच नहीं कर रहा है। ऐसा हुआ क्यों? तो हुआ इसलिए क्योंकि आपने सेकंड वाला नहीं देखा। वो कह रहा है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जिसके पास लीस्ट नंबर होगा सिग्निफिकेंट का, वही उसका आंसर होने वाला है। तो आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस वाले के पास क्या है कि मैंने देखा था कि जब भी अगर डिजिट से स्टार्ट हो रहा है और डेसिमल के बाद जीरो है तो ये जीरो काउंट होगा किसके लिए, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो इसमें देखूं तो मेरे पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दूसरे वाले डेटा में देखूं तो मेरे पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट हैं, और इसमें देखूं तो ये तो नॉन जीरो, ये जीरो है, काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ओनली वाले यहाँ पे कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट है, सॉरी ये सारे के सारे काउंट होने वाले हैं 1 2 3 4। तो कितने आएंगे, लीस्ट नंबर किसका है, थ्री वाला। तो हमें आंसर केवल इतना सा देना पड़ेगा और वो आंसर आ जाएगा डेसिमल के बाद टू डिजिट का, तो 5.86। समझ में आया, 5.86 ग्राम क्या आएगा, आंसर आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि हमने देखा लीस्ट नंबर किस पे है, हमें वही देखना है कि अगर इस पे लीस्ट नंबर है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स आपके बुक्स में भी दिए गए हैं, आप सॉल्व करिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर बताऊंगा अगले लेक्चर में उसको। अगला है सब्सट्रैक्शन वाला रूल। सब्सट्रैक्शन करना है आपको तो आप सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मैंने लिया 25.7630 ग्राम, एक डेटा ये ले लिया, दूसरा ले लिया कि इसको माइनस करना है आपको किससे, 24.24 से, इससे माइनस करना है। आप क्या करोगे, सिंपल रखोगे डिजिट्स 2.7630 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और यहाँ पे 24 और यहाँ पे 24। अब क्या करो, आप इसको माइनस करो, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, ग्राम में है, यूनिट सेम है, तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो आप यहाँ जीरो भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे कितना आएगा, जीरो, यहाँ पे कितना आएगा, थ्री, और सिक्स में फोर टू, और सेवन में टू फाइव, और यहाँ बचा कितना, फाइव में फोर वन, ये आई आपकी 1.5230। आपको अब देखना है कि आपके पास लीस्ट नंबर कितना है सिग्निफिकेंट का। तो यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ देखें तो 1 2 3 4 है, तो 4 क्या है आपका, लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 4। तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट में आंसर चाहिए जिसमें 4 क्वांटिटी में आपका आंसर आ जाए। तो लीस्ट नंबर के डिजिट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 1.5230, यहाँ पे अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर देखूं तो 1 2 3 4 5 है, कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ से आप कितने निकाल सकते हो, हमें 4 चाहिए, तो 1 2 3 4 ये आ गए, तो 1.523 ये आ गया क्या आपका आंसर है। तो ये क्या है, सब्सट्रैक्शन के लिए है। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं किसको, मल्टीप्लीकेशन को। नोट्स बनाते जाइएगा, आपके बेनिफिशियल रहेंगे, आपके एग्जाम में काम आएंगे। अब हमें देखना है क्या, मल्टीप्लिकेशन का रूल, मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप जब करने बैठेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वही सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है जो आप मल्टीप्लाई में यूज करते आए हो। तो एग्जाम्पल है आपका 52890, इसका इंटू कराना है आपको किसमें, 0.25 में। ठीक है, जब आप इसका इंटू कराने बैठोगे तो आपका आंसर आएगा 1.3255, कितना आया, 1.3225 ये आंसर आया आपका। अब आपको क्या करना है, इसका एग्जैक्ट आंसर देना है, और एग्जैक्ट आंसर आप कैसे दोगे, जब आपको ये पता चलेगा कि कितने नंबर आप सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ देखो जनरली दो ही है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दो, तो आपका जो आंसर आएगा, तो क्योंकि ये क्या है, लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर है कितना, टू, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी टू सिग्निफिकेंट फिगर ही कंटेन करेगा। अब इसमें टू सिग्निफिकेंट लेना है तो 1.3 ले लो, तो ये जो है आपका टू सिग्निफिकेंट फिगर है, अदरवाइज जितने भी पीछे इनको सबको आप भूल जाओगे, इनको आपको कोई जरूरत नहीं। वैसे भी डेसिमल के बाद हम अप्रॉक्सी चीजें लेते हैं। अब हमें अप्रॉक्स लेने का मतलब क्या है, हमें सिर्फ देखना है लीस्ट नंबर कितना है सिग्निफिकेंट का, तो वो 1 2 है, तो हमने सिर्फ टू डिजिट का आंसर यहाँ पे रख दिया। आगे चलते हैं, डिवीजन वाला देखते हैं। तो डिवीजन में हम कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप ले लीजिए 8.9876, इसको डिवाइड करना है आपको 2.45 से।
ठीक है। तो जब आप इसको पहले तो आप यही फाइंड कर लो इसमें लीस्ट नंबर कितना है, तो 1 2 3, तो लीस्ट कितना है, लीस्ट है 3। जब आप लिस्ट 3 में देखोगे तो आप जब इसका डिवाइड करने जाओगे तो इसका डिवीजन आएगा 3.6684, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा अगर इतना लिख के आते हो, गलत माना जाएगा। कब, जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर कहे कि आप सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से इसको काउंट करिए, इसको कैलकुलेट करिए, तब। अगर नॉर्मल आ जाता है सवाल तो ऐसे ही सही होगा। अब यहाँ पे 3 देखना है तो 1 2 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3.66 आएगा। लेकिन जब आप 3.66 करेंगे तो ये भी आपका गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राउंड ऑफ वाला रूल लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, 68 को 70 में बात कर सकते हैं, और 68 को यहाँ पे आ जाएगा ये किस पे, ये आंसर आएगा 3.67। तो ये रही बात इसकी सिग्निफिकेंट फिगर की, जिसमें आपने उनके रूल देखे कि ऐसे आप फाइंड कैसे करते हो सिग्निफिकेंट फिगर, फिर आपने ये देखा कि आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो बाय यूजिंग रूल। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपका लीस्ट नंबर कितना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि उनके यूनिट्स क्या होने चाहिए, यूनिट मस्ट बी सेम, ठीक है। अब आगे अगले टॉपिक में चलते हैं। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, राउंड ऑफ किया है। अब जब राउंड ऑफ किया है तो हमें राउंड ऑफ वाले रूल भी पता होने चाहिए। तो राउंड ऑफ वाले रूल बहुत ही सिंपल होता है। राउंड ऑफ वाले रूल में करते क्या है आप, कि जैसे आपने आपके पास एक जीरो होता है, फिर एक फाइव होता है, फिर एक टेन होता है। अगर मैं इसके बेस पे अगर आपको सिखाऊं कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो अगर आपका डेटा 5 से कम है, मीन्स आपकी लास्ट डिजिट जो है, अगर मैंने कह दिया 1.53 है, 1.53 है, तो जो आपकी लास्ट डिजिट है आप उसको देखिए, इस वाली डिजिट को देखना है। अगर ये 5 से कम है तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो इस साइड शिफ्ट होगा, मीन्स लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स जहाँ 5 आना चाहिए 5 के ऊपर, तो जो 3 नंबर है वो पहुंच जाएगा 1.50 में, आंसर ये होगा। अगर आपका कुछ डेटा ऐसा है जो इस तरह का कंटेन करता है कि जिसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, तो जब 5 से ज़्यादा होगा तो वो आगे की तरफ जाएगा, और जब आगे की तरफ जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, आगे जाएगा भाई। अब इसके लिए हमें दो डिजिट लेनी पड़ेगी, ये दोनों 57 और 57 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 0, 50, 100 में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये 50 से ऊपर है तो आगे की तरफ जाएगा, मतलब ऐसा राउंड ऑफ 10 वाला राउंड ऑफ, मतलब 51 या ऐसा करो 50, 55 और 60। तो अगर वो 55 से ऊपर है तो रिजल्ट 60 में चला जाएगा, अगर 55 से कम है तो रिजल्ट 50 में चला जाएगा, क्योंकि ये 57 है, 55 से ज़्यादा होता है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो कितना चला जाएगा, ये 60 में चला जाएगा। तो 57 किस में बदल जाएगा, 60 में। और नॉर्मली हम डेसिमल के बाद इसको कोई इन्वॉल्व नहीं करते, इसलिए आंसर आ जाएगा 1.6। यही हुआ है हमारे लास्ट वाले सवाल में, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ का रूल है, जिसमें आपको सिंपली राउंड ऑफ करना है, जिसको आप यूज कर सकते हो किसके लिए। जैसे आप एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, क्वेश्चन ये है कि अ पीस ऑफ आयरन, एक लोहे का पीस है आयरन, उसका वेट है कितना, उसका वेट है जो दिया गया है 5.932 ग्राम। ये आयरन के पीस का क्या है, एक वेट दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना है क्या, वॉल्यूम करना है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आपको जब आपको डेंसिटी पता है। इफ डेंसिटी आपको गिवेन है और वो है 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो आपको पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल होता है वेट बाय वॉल्यूम, जो कि हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर डेंसिटी पता है, वेट पता है, वॉल्यूम निकालना है, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है क्या, वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, कितना वेट है और कितना डेंसिटी है। तो वेट का जो आपके पास डिजिट है वो 5.932 है, और जो डेंसिटी है वो 7.8 है, और इसकी डिजिट यूनिट क्या है, ग्राम, और इसकी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.7605,
कितना आएगा 0.67605, और क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, तो ये सेंटीमीटर क्यूब प्लस में हो जाएगा। अब आपको जो फाइंड करना है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पे आप आंसर दोगे, आप इतना बड़ा आंसर लिख के आओगे गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि आपको जो डेटा गिवन है उसमें लीस्ट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर का कितना है, तो ऊपर जो सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2, 3, 4 है, नीचे 1, 2 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, 0.76 में, और यूनिट आपको रखनी है सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब अगर इसके बाद में अगर जो टॉपिक है तो वो अपना नेक्स्ट लेक्चर में होगा, आपको आज बस इतना ही पढ़ना है। और आपके पास अगर बुक्स अवेलेबल है, लॉकडाउन है, अगर बुक्स अवेलेबल है तो प्लीज इसको, इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। अगर जो भी एग्जांपल्स नहीं बने तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो आप कल या फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे, उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ केमिकल, या फिर लॉ कहें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपकी क्या होती है, केमिस्ट्री शुरू होती है। तो बने रहिए मेरे साथ, केमोड के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो आप क्या करें, लाइक बटन दबा दीजिए। आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। बेल आइकन से क्या होता है, जैसे ही मुझे वीडियो पोस्ट करनी होती है आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाता है, और वहां से आप उसी टाइम पे क्या कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। मेरे वीडियो में लाइव चैट ऑप्शन भी रहता है, आप वहां पे उसी टाइम क्या कर सकते हो, मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, हो सके तो शेयर करो जितना भी आप कर पाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और लॉकडाउन के उससे स्कूल कॉलेज कुछ खुल भी नहीं रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो CBSE ने जितने भी 10th के पेपर थे वो कैंसिल कर दिए हैं, ओनली ऑन 12th के पेपर होने हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं, और वो लॉकडाउन के बाद ही डिसाइडेड होगा किसके होने हैं। MP बोर्ड ने अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, तो अफवाहों से बचें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।